अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी ला अकेडमी शाहदरा लाहौर। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, मशरक से उबरते हुए सूरज को जरा देख। डियर स्टूडेंट्स, काफी महीनों से हमें इस चीज का इंतजार था कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सिविल जज का सिलेबस जो है वो रिवाइज करने के लिए जा रही है और वो सिलेबस हमारे सामने आ जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने डियर स्टूडेंट्स जो है वो अपना सिलेबस आप तक पहुंचा दिया है। इस सिलेबस में डियर स्टूडेंट पहले की तरह जो है वो 7 पेपर ही इंक्लूड होंगे। हम अपने तमाम जो पेपर्स हैं उनको 1 by 1 आप तक पहुंचाएंगे। हर पेपर की एक सेपरेट जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो डियर स्टूडेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आपको जो है वो उसकी अच्छी जो है वो आगाही हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो अब तय कर लिया है कि हम कंपिटेंसी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो चुनाव करेंगे जो कंपिटेंट हैं, जो इस सीट के काबिल हैं। अब किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज जो है वो आपके साथ नहीं किया गया। इसके जो है वो साथ साथ कुछ अमेंडमेंट्स जरूर की गई हैं जो आपको हम हर पेपर के बारे में बताएंगे कि कौन सी जो है उसमें अमेंडेड हो चुकी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, माशाल्लाह जो है वो आप ला ग्रेजुएट हैं, अब आप अपना अच्छा बुरा समझते हैं, मुल्क के आप लॉयर्स हैं, तो अब हर किस्म की जो नौसरबाजी है इस सिलेबस को देखते हुए आप खुद जो है वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये सिलेबस हमारा 4 माह का है, 4 माह में हम इसको कवर करें, क्या हम इसको जो है वो 6 माह में कवर करें। तो ऐसी बातें डियर स्टूडेंट्स इनसे अपने आप को अवॉइड करें, ऐसे रूमर्स से बचें, ऐसे तमाम इदारों से जो है वो आप अपना रब्ता मुल्कता रखें। उसकी वजह ये है डियर स्टूडेंट्स कि इतना सारा सिलेबस है, मेरे ख्याल के अंदर आपको जो है वो 2 साल का टाइम रिक्वायर्ड है इतना ज्यादा सिलेबस इसको कवर करना, इसका टेस्ट सिस्टम देना। अपना सिलेबस जो है वो 1 साल के अंदर कवर कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, और दूसरे साल में अपना एक फुल फ्लैज टेस्ट सिस्टम लीजिए। इंशाल्लाह अजीज, अगर आप इस चीज को अडॉप्ट करेंगे तो आप एक आपका जो कैलिबर है, जो आपकी कॉम्पिटेंसी है, उसका लेवल हाई होगा और हम उम्मीद रखेंगे कि आप जरूर जो है वो आप सिविल जज की सीट को जो है वो हासिल कर लेंगे। आपकी जो डेली की स्टडी है डियर स्टूडेंट्स वो 15 घंटे की स्टडी है और एक फुल फ्लैश और फोकस स्टडी है जिस पे आप चलते हुए जो है वो आप डियर स्टूडेंट्स अब अपनी सीट को सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारी बहुत सारी बातें होंगी, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम सिविल जज की नाकामियों के बारे में बताएंगे कि आप नाकाम क्यों रहते हैं। सो वो हमारा वीडियो लेक्चर जरूर आपने देखना है, वो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंचा देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसकी बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिएगा, घंटी के निशान को दबा लीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो है वो हम 15 जनवरी 2022 से अपनी फिजिकल क्लासेस का आगाज करने लगे हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 03004260669, इस पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आप एक फुल फ्लेज्ड और थारो स्टडी और थारो जो है वो टेस्ट सिस्टम देने जा रहे हैं। सो कम टू द सिलेबस डियर स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास पेपर 4 है, ठीक है जी। और पेपर 4 जो है वो हमारा जनरल लॉज है, ठीक है जी। पेपर 4 क्या है जी, जनरल लॉ है, 100 नंबर का डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेपर है और इसमें फुल फ्लेज जो है वो 4 लॉज डियर स्टूडेंट्स जो है वो इंक्लूड है इसके अंदर। रिवाइज सिलेबस के मुताबिक जो जनरल लॉ है जो पेपर 4 है उसमें नंबर 1 है QSO द कानूनी शहादत ऑर्डर है हमारा 1984 का, ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। इसी पेपर 4 के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपसे लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, लाहौर हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनके जो वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 4 तक, यानी वॉल्यूम 1, 2, 3 और 4,
ये चारों के चार वॉल्यूम जो है वो आपको आने चाहिए। इन्हीं वॉल्यूम्स के अंदर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। नंबर थ्री पे है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का हुलर का जो आइन है डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। नंबर फोर्थ इज द लास्ट वन इज द पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है 1962 का, 1962 का पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है, ये भी डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स इतना ज्यादा जो सिलेबस है इसके जो चार सब्जेक्ट्स आपने कवर करने हैं, और आपने हमारे अगर पिछले लेक्चर देखे हैं जिसमें हमने सिविल लॉ पेपर वन पेपर टू क्रिमिनल लॉ पेपर थ्री और आज जो जनरल लॉ पेपर फोर्थ है आप तक पहुंचा दिया है। इतना बड़ा सिलेबस है डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने थॉरली स्टडी भी करना है। अपने जल्द अज जल्द जो है वो अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लें और हमारी फिजिकल क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें ताकि हम आपको एक बेस्ट और थॉरो स्टडी दे सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।